के ब्राह्मण ने कही हे गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, तुम्हारी दासी है और कंगड़ी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। बहुत सुंदर। जवाब दिया पंडित जी ने श्याम, तुम्हारी दासी है उसका संदेशा लाया हूं। जवाब दिया मैं कुंदनपुर से आया हूं। अच्छा अच्छा समझ गई, लाओ पत्र कहाँ है। कन्हैया ने खत खोल के पढ़ा, जवाब दिया पंडित जी इसमें तो सस्पाल का नाम लिखा है, लड़की से कह दो वो शादी करके चली जाए। पंडित जी ने जवाब दिया है श्याम, वो तुम्हारी बगैर शादी किसी से नहीं करेगी, आत्महत्या करने पे मजबूर है वो। श्याम कोई उपाय सोचो। कन्हैया बोले उपाय क्या सोचे, यहाँ तो वैसे हुए यादवों ने बदनाम करके रख दिया हमें। पंडित जी अभी एक तरीका है, तुम बलराम दादा की सभा में जाओ, जाने की आज्ञा मांगो, और जब यादव तुम्हें विदा करने चले तब तुम खांसते खांसते जमीन पे गिर जाना, मुंह से झाग निकाल जाना, आंखें फाड़ जाना, तब कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। उधर से रुक्मिणी को कैसी रही, पंडित जी बोले बहुत बढ़िया। अब बलराम की सभा में पंडित जी गए, जवाब दिया है हे बलराम एक बात सुनो। क्या कि अब आज्ञा हमको दे दियो, और हमें अपनी घर को जाते हैं, क्या कहा बलराम से बोले हैं पंडित जी। बलराम पंडित जी बोले बलराम आज
आज तलक कोई द्वेष नजरी नहीं आते दिया। आज से हमने जान लिया यदुवंशी श्रेष्ठ कहते हैं और यादव कुल में आज पता लग गया हमें कोई द्वेष नजर नहीं आते हैं। आप हमें आज्ञा दे दो।